और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी विदेश की यात्रा पर चले गए हैं। इस वक्त महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा चुनावों के होते हुए भी राहुल गांधी विदेश चले गए हैं। सूत्रों के मुताबिक राहुल 10 अक्टूबर तक वापस आएंगे। ये बड़ी खबर आपको बता दें, क्योंकि कांग्रेस में फूट की खबरें महाराष्ट्र के साथ साथ हरियाणा में भी आई हैं। और जिस वक्त पार्टी को मजबूती के साथ आगे बढ़ाकर चुनाव लड़ने की जरूरत है, अब आप समझिए कि ऐसे में राहुल गांधी विदेश यात्रा पर निकल गए हैं। महाराष्ट्र में संजय निरूपम किस तरह से बगावत कर चुके हैं, हरियाणा में दोनों गुटों में साफ तौर पर गुटबाजी लगातार देखने को मिल रही है। तो अभी कांग्रेस के गठबंधन को लेकर, उसके संगठन को लेकर लगातार उहापोह की स्थिति बनी हुई है। अब ऐसे में राहुल गांधी का विदेश यात्रा पर चले जाना कई मायनों में खास है, क्योंकि अब कांग्रेस के खेमे से खबर ये आ रही है कि क्या माँ और बेटे में सब कुछ ठीक नहीं है। तो अब इसे किस तरह से देखा जाए, अब इसके किस तरह के मायने निकाले जाए, ब्रह्म प्रकाश दुबे मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रह्म प्रकाश, इसे कैसे समझे? देखिए पायोधी, इसके पहले भी आपने देखा हो पिछले चुनाव में राहुल गांधी, जब चुनाव का ऐलान हुआ था और उसके पहले ही राहुल गांधी की विदेश यात्रा हुई थी। इस बार भी दो राज्यों के चुनाव हैं। देखिए महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। दोनों राज्यों में चुनावी तैयारियों में कांग्रेस लगी है, लेकिन कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं जो, वो बैंकॉक निकल गए हैं। जो जानकारी मिली है कि 8:15 बजे की फ्लाइट से आज ही राहुल गांधी बैंकॉक निकले हैं और 10 तारीख तक वहां पर रहेंगे। हालांकि ज्यादा उनका कार्यक्रम वहां क्या है, कहां पर रुकेंगे, ज्यादा कुछ जानकारी नहीं मिली है, लेकिन इतना जरूर है कि विस्तारा की फ्लाइट से आज शाम ही 8:15 बजे राहुल गांधी निकले हैं बैंकॉक को। लेकिन ये बड़ा प्रश्न चिन्ह ऐसे में उस पार्टी पर खड़ा होता है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष कहें कि सोनिया गांधी के बेटे, और जिस गांधी परिवार के आसपास पार्टी का सारा, कांग्रेस पार्टी का सारा लीडरशिप घूमता है, उसके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर विदेश जाते हैं। और आप देखिए, आज ही अशोक तंवर ने पार्टी छोड़ने का ऐलान किया, हरियाणा के जो प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो संकट है वो और गहराता दिख रहा है कि देखिए पार्टी संकट में है और कांग्रेस के जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो विदेश की तरफ रुख कर रहे हैं। और ब्रह्म प्रकाश, अभी क्योंकि एक बड़ा सवाल है जो कांग्रेस के खेमे से निकलकर आया है दोनों राज्यों के चुनावों के दौरान, कि क्या माँ बेटे में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? क्या इसको ऐसे भी कहा जाए कि जिस वक्त ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि राहुल गांधी कुछ आकर कहेंगे, लेकिन उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट ना आना और उनका विदेश यात्रा पर चले जाना?